हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, राजमा यहाँ बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। 5 टमाटर ले लिए हैं एंड हमने 4 प्याज लिए हैं जो कट हो रहे हैं अभी। टमाटर को ऐसे कद्दूकस कर लेंगे, सारे टमाटर को। ऑयल गरम होने दें। तो गाइस, हमारा यहाँ तेल गरम हो रहा है एंड हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल में, उसके बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे। इसमें टमाटर तब डालेंगे जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे, जब तक ब्राउन हो रहे हैं प्याज हमने सोचा हम चाय बना ले। अब चाय बना रहे हैं, प्याज वहाँ ब्राउन हो रहे हैं। चाय में हम सबसे पहले इसमें इलायची डालते हैं। इलायची डालने के बाद इसमें इसको थोड़ा बॉईल होने देंगे। देन उसके बाद 1 कप मिल्क ऐड करेंगे और यहाँ हमारे इधर चीनी चाय बनने के बाद डलती है, जब वो अच्छे से बॉईल हो जाती है, गुड फॉर हेल्थ के लिए। एंड चाय हमारी बॉईल हो रही है, हम इसको कप में अच्छे से सर्व करेंगे। उसके बाद हमने चाय ट्रे में सर्व कर दी है। देन हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें चाय देने आ जा रहे हैं। और ये प्याज हमारे हो गए हैं ब्राउन। इसमें हम चॉप करे टमाटर ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर और इसके पेस्ट में हम मसाले बाद में ऐड करेंगे, बिकॉज ताकि ये अच्छे से पक जाए और ये तेल छोड़ दे, तभी हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। टमाटर यहाँ ऑलमोस्ट पक चुके हैं, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 3 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें आधे से ज़्यादा चम्मच हरा गरम मसाला, उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च, उसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, प्लस नमक इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो जब हमने बॉईल करे थे राजमा तब हम नमक ऐड कर देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पक जाने के बाद इसमें राजमा ऐड कर देंगे। राजमा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे राजमा को। अच्छे से राजमा पक जाने के बाद इसमें हल्का सा बॉईल आने देंगे। बॉईल हो रहे हैं राजमा, उसके बाद गार्निशिंग के लिए इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, बिकॉज हरा धनिया हमारे घर की हर सब्ज़ी में ऐड होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हरे धनिए को। अब इसमें हम कटोरी में सर्व करेंगे एंड सबको टेस्ट करवाएंगे कि राजमा कैसा। यही मेरा ब्लॉग एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।